हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस, इफ यू आर अ वेब डेवलपर देन ये जो तीन क्वेश्चन है गाइस, ये आपको आज अपने आप से पूछना ही पड़ेगा, क्या आप इसको फॉलो कर रहे हो या नहीं। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, आपको बहुत मजा आने वाला, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे जो ये तीन क्वेश्चंस की बात हो रही, तो वो कौन से तीन क्वेश्चंस है जो आपको पता होना ही चाहिए। सो गाइस देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, What is this website about? तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? इस क्वेश्चन का मतलब ये कि आप जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हो, वो वेबसाइट किस चीज के बारे में है, उस वेबसाइट के थ्रू आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सबसे पहले मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर आपके माइंड में वो क्लियर हो गया कि आपका वेबसाइट किस टॉपिक के बारे में है एंड आप क्यों वो वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, एंड दिस इज इट, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आपको अपने आप से पूछना था। लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज आप एक फ्रीलांसिंग कर रहे हो, या आप कह सकते हो कि आपकी एक कंपनी है एंड देन आपको एक क्लाइंट मिले, उन्होंने कहा कि मैं एक ENT स्पेशलिस्ट हूँ, आईज नोज एंड देन थ्रोट स्पेशलिस्ट, एंड उन्होंने एक न्यू क्लिनिक ओपन किया ओनली फॉर आई केयर, मतलब अपनी आंखों को जो भी आंखों की प्रॉब्लम के रिलेटेड। तो अब सपोज उन्होंने आपको वर्क दे दिया एक वेबसाइट बनाने के लिए, एंड आपने ये जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है ये आपने क्रिएट किया, ठीक है। तो गाइस नाउ अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि इस वेबसाइट को देख के आप विजिट करोगे, आप उनसे कांटेक्ट करना चाहोगे? गॉड नोज, क्योंकि इसमें वो आप मैंने कहा ना कि आपका वेबसाइट किसके ऊपर है, आइस के ऊपर, आइस केयर के ऊपर, लेकिन ये तो लग रहा है कि कोई एक जनरल डॉक्टर है जिसको मतलब खाली पेट दर्द ऐसा हो गया वैसा हो गया, एसिडिटी उसके रिलेटेड लग रहा है। लेकिन अगर आपको ये पता होता कि आपका वेबसाइट किसके ऊपर है, आप अपने वेबसाइट के थ्रू क्या दिखाना चाहते हो दुनिया को, तो गाइस आप आई केयर के लिए ऐसा वेबसाइट नहीं बनाते। ये दिखने में बहुत ऑसम है, बहुत बेस्ट है, ये मेरा नहीं है, किसी और का डिजाइन है, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट अगर आपको ये मालूम होता है कि आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो अपने वेबसाइट के थ्रू, आपका वेबसाइट क्या कन्वे करना चाह रहा है, तो गाइस आप ऐसा वेबसाइट क्रिएट करते। ये क्लियर कट आपको बता रहा है कि आप अपनी आंखों का ध्यान रखिए, अगर आप नहीं रख सकते तो हम हैं आपकी आंखों का ध्यान रखने के लिए। सिंपल, इसमें एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। तो कैसा लगा आपको, पता चल गया ना पहला पॉइंट, आपका वेबसाइट क्या कन्वे करना चाह रहा है, दुनिया को क्या दिखाना चाह रहा है, तो उसके हिसाब से आप वेबसाइट बनाएं ताकि लोगों को पता चले। ऑलराइट गाइस, तो नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट एम आई गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस वेबसाइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ठीक है आपको अब अपने वेबसाइट से क्या मिलने वाला है, या आप क्या चाहते हो अपने वेबसाइट से। ऑब्वियसली ये जो वेबसाइट मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये मेरा नहीं है, एग्जाम्पल हमने जो सेट किया उसके हिसाब से, तो मैं एक फ्रीलांस कर रहा हूँ, मुझे एक क्लाइंट मिले जो कि एक ENT स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने एक न्यू क्लिनिक ओपन की, उनको अब मतलब जो जितने भी यूजर्स हैं जिनको आंखों की प्रॉब्लम है उनको वो चाहते हैं अपने क्लिनिक में खींचने के लिए, ताकि वो उनकी मदद कर सके और उनकी सेल्स भी अच्छी हो। सो क्लियर कट है, सेकेंड पॉइंट में हमें हमारे वेबसाइट से हमारे क्लाइंट के लिए मोर यूजर्स को गेट करना है, उनको पाना है, डेट्स इट, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। आई एम गोइंग टू गेट मोर यूजर्स फॉर माई क्लाइंट, यही आपका मेन मोटिव होना जरूरी है कि अगर आपको कोई पैसे दे रहा है काम के लिए तो उस काम को परफेक्टली करो। चलो ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था, पहला देख लिया दूसरा देख लिया, नाउ वट इज थर्ड क्वेश्चन जो आपको अपने आपसे पूछना है, एंड दैट इज हाउ डू आई गेट इट। अब हमने पहला वाला तो देख लिया, सिंपल वेबसाइट कैसे क्रिएट करना था, दूसरा हमने देखा कि हमें मोर क्लाइंट चाहिए, अब हम उसको करेंगे कैसे, हाउ डू आई गेट इट, मुझे वो मिलेगा कैसे। तो सबसे पहले देखो, अगेन एग्जाम्पल, सेम फ्रीलांस कर रहे हो, आपने वेबसाइट क्रिएट की एंड अब आपको यूजर्स को अट्रैक्ट करना है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको गाइस जो भी यूजर आपके वेबसाइट को करेगा विजिट, आपको उसको पहले अपने वेबसाइट से कनेक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इमोशनली अगर होती बात तो लाइक फैमिली का अगर हम एग्जांपल ले, अगर आप अपने फैमिली में किसी भी मेंबर को बोलोगे मम्मी मुझे प्रॉब्लम हो रही प्लीज़ कुछ हेल्प कर दो, वो आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी एक कनेक्टेड हो। लेकिन यूजर्स जो अगर हमारे वेबसाइट पे विजिट करें, उनको नहीं मालूम हम कौन है, उनको सिर्फ हमें अपने वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट करना है, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो यूजर क्यों हमारे वेबसाइट विजिट करेगा, क्योंकि उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे पहला पॉइंट ये, ठीक है। तो उसके लिए गाइस वो क्या करेगा कि सर्विस चेक करेगा कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये वाली सर्विस चाहिए, तो चेक करेगा हमारे वेबसाइट में क्या वो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। तो हमें क्लियर कट दिखाना पड़ेगा अपने वेबसाइट पे, हाँ ये सर्विसेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं आंखों की रिगार्डिंग। तो वंस यूजर को पता चला कि ठीक है मुझे ये प्रॉब्लम था एंड वो प्रॉब्लम इस वेबसाइट में या ये जो क्लिनिक है वहाँ पे सॉल्व होती है, तो गाइस यहाँ पे ना हमने यूजर का माइंड थोड़ा सा अपनी ओर कनेक्ट कर लिया, क्योंकि उसको जो सर्विस चाहिए थी वो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे।
लेकिन फिर भी गाइस यूज़र ये सोचेगा क्या ये क्लिनिक जेन्यून है या नहीं, क्या यहाँ के जो डॉक्टर्स है वो एकदम जेन्यून है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने वेबसाइट में अबाउट अस पे क्लियर कट बताना पड़ेगा, हाँ भाई हम इस तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखते हैं, एंड यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे, आप उसको एक बार जरूर रीड कीजिएगा ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो क्लियर कट आपको एक अबाउट अस का पेज होना जरूरी है, एंड वंस जब यूज़र उसको भी पढ़ेगा तब वो सोचेगा कि वहाँ के डॉक्टर्स कैसे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एक और पेज क्रिएट करना पड़ेगा अबाउट अस पेज, जहाँ पे आप बताओगे यू नो बहुत क्लियरली, आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्टर ने 6,700 पेशेंट्स को किया, इन्होंने 5,300 इस तरीके से सी मोर डॉक्टर्स, तो उसको लगे वाह यार इतने सारे पेशेंट्स को इन्होंने किया है, तो ऑटोमेटिक एक बिल्डअप जनरेट हो जाता है, ऑटोमेटिक उनको लगता है, यूज़र को लगता है कि हाँ यार ये इसमें सर्विसेज भी है, अबाउट अस को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, डॉक्टर्स भी हाईली प्रोफेशनल क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, तो अब यूज़र को लग गया चलो भाई एटलीस्ट अब मुझे एक ट्राई तो देना जरूरी है, मुझे इनसे कनेक्ट करना जरूरी है। तो उसके लिए अब वी नीड अ कॉन्टैक्ट पेज, एंड कॉन्टैक्ट पेज एकदम हाई फाई नहीं होना चाहिए, सिंपल भी आप रख सकते हो, वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट अस कॉन्टैक्ट हियर, इस तरीके से आप एक सिंपल रख सकते हो, एल्स नहीं तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो जहाँ पे आपको यू नो यूज़र जो अपना डेटा फिल करेगा, क्योंकि मोस्टली को मे भी नहीं आता फिल करना, हो सकता है लाइक मोस्टली को नहीं आता वो सिंपली कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, तो आप सिंपली अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे सकते हो, यानी तो सिंपली आपका जो कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म है इस तरीके से आप फिल करा सकते हो। चलो ठीक है गाइस, हमने जो 3 क्वेश्चंस कहा था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन थर्ड जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें अभी भी बहुत कुछ है। तो वेट गाइस, सबसे पहले एक चीज़ आप मुझे बताओ कि कुछ कमी आपको लग रहा है यहाँ पे कि कुछ कमी है, सोचो कुछ ना कुछ कमी है, एंड दैट इज गाइस इज योर वेबसाइट लाइव, क्या आपने अपने वेबसाइट को लाइव किया, आई मीन जो वेबसाइट आपने क्रिएट की उन सभी 3 चीज़ों को मान के समझ के वो आपके सिस्टम में पड़ा, आपके सिस्टम के हार्ड ड्राइव में हो तभी आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो, लेकिन बाहर की दुनिया उसको एक्सेस नहीं कर सकती, इवन आपके घर के नीचे जो है आइस प्रॉब्लम है सपोज उनको उनको भी नहीं आइडिया होगा कि आपने एक वेबसाइट बना रखी। तो गाइस अब हम क्या कर सकते, सो व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट, अब हम क्या कर सकते, सिंपल वी नीड अ डोमेन एंड अ वेब होस्टिंग, ठीक है, हमें क्या चाहिए एक डोमेन एंड अ वेब होस्टिंग। सो व्हाट इज अ डोमेन, सिंपल आप देख सकते हो डोमेन नेम इज योर वेबसाइट नेम दैट सर्व एज एन एड्रेस फॉर अदर पीपल टू एक्सेस योर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। एक सिंपल भाषा में मैं बताऊँ तो गाइस आप जब भी गूगल पे जाके www.facebook.com लिखते हो तो facebook.com आपका एक डोमेन का नाम है, तो उस डोमेन के थ्रू आप फेसबुक के पेज को एक्सेस कर सकते हो। उसी तरीके से अगर मैं अपनी बात बताऊं तो thapatechnical.com आप पूरा कंप्लीट URL देख सकते हो, ठीक है मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं, यहां पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ये देखो www.thapatechnical.com टॉप पे आप देख सकते हो, द मोमेंट मैं डोमेन नेम को एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे मेरा पेजेस दिखाई दे रहा होता है, सिंपल ठीक है, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट अस का पेज क्या है क्या नहीं है सब कुछ फॉलो किया हुआ है। तो यहाँ पे डोमेन नेम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एंड डोमेन नेम आपको बाय करना पड़ता है, ठीक है, एंड वंस आपने डोमेन नेम को जो बाय कर लिया है देन वी नीड अ वेब होस्टिंग। व्हाट इज अ वेब होस्टिंग, देखिए वेब होस्टिंग इज द एलोकेटेड सर्वर स्पेस वेयर ऑल योर वेबसाइट फाइल्स आर स्टोर्ड, सिंपल देखो ऑल आर गाइस। तो अब इसका क्या मतलब होता है आप देख सकते हो, आई विल शो यू लाइव, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, सिंपल ठीक है। होस्टिंग मतलब आपका जो फाइल्स है जो आपके लोकल सिस्टम में है, लोकल सिस्टम बेसिकली आपके सीपीयू के अंदर जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उस पर जो आपने स्टोर करके रखा ना, उस फाइल को आपको अब सर्वर क्लाउड में स्टोर कर देना है, जिससे कोई भी लोग जब भी आपका डोमेन लाइक thapatechnical.com लिखे तो वो जो डोमेन है वो हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट करेगी, तो वहाँ से गाइस वो हमें रेस्पॉन्स देगा, एंड हमारा जो फाइल हम जो विजिट करना चाहते जो देखना चाहते वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा ब्राउज़र पे। कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो डोमेन हमने बाय कर ली, ठीक है, अब होस्टिंग भी दिया, अब मल्टीपल टाइप्स ऑफ होस्टिंग, ठीक है, अब देख सकते हो सेड क्लाउड वर्डप्रेस बीपीएस मल्टीपल है, एंड ये जो फिलहाल है अभी ये सेड होस्टिंग है, तो अभी मैंने आपको बताया ये भी आपको बाय करना ही पड़ता, आपको फ्री भी मिलता लेकिन अगर कुछ करना है तो बाय करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 100 GB SSD स्टोरेज मिल रहा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, यहाँ पे आपको 100 GB का स्पेस मिल रहा है, एंड ये जो वेबसाइट है ठीक है ये हार्डली आपका 5 MB मैक्सिमम आपका 20 MB लेगा, लेकिन ये तो 100 GB दे रहा है ना यहाँ पे, तो आप मल्टीपल वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। तो आई होगा इस एटलीस्ट आपको पता चल गया होगा, एंड मैं आपको एक बेस्ट चीज बताना चाहूंगा, डोमेन जो मैंने आपको कहा था कि बाय करना पड़ता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गाइस वी हैव अ फ्री डोमेन फ्री SSL सर्टिफिकेट बेसिकली जो HTTPS है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो HTTPS मतलब सिक्योर कनेक्शन, तो SSL सर्टिफिकेट के लिए भी हमें पे करना पड़ता है, बट नो
यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे आपको SSL सर्टिफिकेट फ्री मिल रहा है, फ्री ईमेल, फ्री डोमेन मिल रहा है, खाली ऐड टू कार्ट पे जाना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसका लिंक है गाइस, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कूपन आप लोगों के लिए ऐड किया, देखो थापा 7 अभी देखो 8300 दिखा रहा है, मोमेंट इसको हटा दूंगा 9000, यहाँ पे सिंपली मेरे पास कूपन है आप लोगों के लिए थापा 7, जैसे आप लिख के एंटर हिट कर दोगे वापस से आपका देखो 1000 इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप ये 48 मंथ्स का प्लान बाय करते हो, हालांकि आप 24 का भी कर सकते हो, उसमें भी आपको ऑफर मिल जाएगा एंड फ्री डोमेन एंड फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो हमने समझा व्हाट इज डोमेन, हमने समझा व्हाट इज वेब होस्टिंग एंड वेब होस्टिंग आप कैसे बाय कर सकते, एंड ये भी आपको बताना चाहूंगा कि कैसे मैं काफी लंबे समय से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा लगा, डेट्स व्हाई मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड देन गाइस, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, एंड जब आप बाय करोगे उस लिंक के थ्रू तो ये कूपन भी जरूर ऐड करना, ताकि आप में जो एग्जिस्टिंग ऑफर आपको मिल रहा है उसके ऊपर से आपको 7% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड देन सिंपली सबमिट सिक्योर पेमेंट आप चेकआउट कर सकते हो एंड आप फ्री डोमेन भी गेट कर सकते हो। एंड इफ यू वॉन्ट अ कंप्लीट वीडियो इन दिस, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, आप चाहो तो कंपेयर भी कर लो बाकी किसी और से, आपको ये सस्ता ही मिलने वाला एंड अच्छा मिलने वाला। ठीक है, सो नाउ गाइस वी हैव अ डोमेन एंड अ वेब होस्टिंग, वी नीड टू कनेक्ट, हमें बस उसको कनेक्ट करना है। एंड हाँ, एक और चीज गाइस मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है, इफ यू वॉन्ट अ कंप्लीट वीडियो ऑन हाउ टू कनेक्ट एंड होस्ट वेबसाइट, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो क्रिएट करूंगा। एंड जैसे कि आपको मालूम है हमारी एग्जांपल के थ्रू हमने डोमेन भी बाय कर ली, डोमेन क्या बाय करना, फ्री मिला हमें होस्टिंगर से, एंड वेब होस्टिंग हमने जब बाय की, हुर्रे नाउ आवर वेबसाइट इज लाइव। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा जो thapatechnical.com है ये ऑलरेडी लाइव है, आप अगर इसे चाहो या दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी अगर इसको एक्सेस करना चाहे वो सिंपली ब्राउजर में आके thapatechnical.com डोमेन एंटर करेगा, ऑलरेडी होस्टिंगर में फाइल होस्ट करके रखा हुआ है तो वहां से उसको वो एक्सेस कर लेगा। तो इस तरीके से गाइस अब आपका वेबसाइट क्या हो चुका है, लाइव हो चुका है। एंड फिर भी एक चीज़ रह गया गाइस, फिर भी एक चीज़ रह गया, एंड दैट इज़ कि आपको SEO के साथ खेलना पड़ेगा, आपको अपने वेबसाइट पे SEO ऐड करना पड़ेगा ताकि आपका वेबसाइट रैंक करे। एंड दिस इज इट, यही स्टेप्स है, अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो आप अपने आप से जरूर पूछना, एंड इन सबको अगर आपने फॉलो कर लिया गाइस आपको कोई नहीं रोक सकता, आप जिस भी क्लाइंट के लिए वर्क करोगे वो जरूर सुपर इंप्रेस होंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट में SEO बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने एकदम अच्छा सब कुछ कर दिया है, यू नो जो दिखता है वो बिकता है, उस रूल को भी हमने फॉलो किया एकदम स्टार्टिंग में आई केयर वाला ऑसम वेबसाइट बना के, लेकिन अगर वो रैंक ही नहीं करेगा तो कोई क्लाइंट आपके वेबसाइट को विजिट ही नहीं कर सकेगा एंड कोई क्लिनिक पे नहीं आएगा। तो SEO करना जरूरी है ताकि आपका वेबसाइट आई केयर क्लिनिक या ENT स्पेशलिस्ट ऐसे कुछ कीवर्ड लिखती, अगर आपका वेबसाइट टॉप पे आ गया, रैंक कर गया, मैं आपको गारंटी देता हूँ 90% यूजर उस वेबसाइट को जरूर क्लिक करेंगे शुरू के जो टॉप 3 में आते। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। एंड वन मोर टाइम बताना चाहूंगा कि ये जो 3 क्वेश्चन है इसको आप जरूर अपने आप से पूछ के इसको जरूर अप्लाई कीजिए एंड आपको कोई नहीं रोक सकता। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैंने एक वेब डेवलपर की जर्नी आपको दिखाई है कि आप अगर एक वेब डेवलपर हो एंड अगर आपको सक्सेस चाहिए अपने लाइफ में एंड अगर आप अपने क्लाइंट को खुश रखना चाहते हो तो ये स्टेप आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड गाइस अगर आप मेरे इस वीडियो से सहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने जो भी पॉइंट्स बताए एकदम सही बताए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने कुछ गलत बताया या कुछ छूट गई है बातें तो वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसका पार्ट 2 ला सकूं। एंड वंस अगेन गाइस, वेबसाइट को कैसे कनेक्ट करना है, डोमेन कैसे बाय करनी है, वेब होस्टिंग कैसे बाय करना है, वो सब के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, होस्टिंगर का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। एंड मेरा जो स्पेशल कूपन कोड है थापा7 उसको तो बिल्कुल मत भूलना, जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।